आज साथियों हम स्थानीय मान और संख्याओं को शब्दों में लिखने और पढ़ने के लिए टीएलएम निर्माण करेंगे। इसके लिए एक कोई भी डिब्बा हमने लिया है और उस डिब्बे पे पहले रंगीन पेपर यानी चार्ट पेपर चिपका लिया है। अब चार्ट पेपर चिपकाने के बाद हमने उसमें खाने बना लिए हैं। एक खाना ये बनाया, एक दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये टीएलएम हजार तक की संख्याओं के स्थानीय मान और शब्दों में पढ़ने के और लिखने के लिए बनाया गया। अब रंगीन पेपर की, अलग अलग रंगीन पेपर की हमने पतली पतली स्ट्रिप काटी और उनका साइज इस खाने के बराबर रखा। इस यहाँ पर एक कट लगा लिए, एक पीछे लगाया, ऐसे इसके एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया और इसमें स्ट्रिप को फंसा के चिपका दिया। चिपकाने से पहले प्रत्येक स्टेप पे जीरो से लेकर नौ तक की संख्याएं हमने लिख दी हैं। जैसे यहाँ जीरो शुरू कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पुनः फिर जीरो आ गया। ऐसी प्रत्येक स्ट्रिप पे लिखा हुआ है। अब जैसे ये कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या मान लो लिखी हुई है, अब इसे वो पढ़ना है तो सबसे पहले वो इधर से पढ़ेगा हजार की तरफ से। पहला खाना हजार का, दूसरा सैकड़ा का। सैकड़ा वाले खाने को जब शब्दों में पढ़ेंगे तो सौ पढ़ेंगे। ये ढाई का है और ये इकाई का है। संख्या शब्दों में पढ़ने के लिए इकाई और ढाई के अंकों को साथ मिलाकर पढ़ते हैं। यहाँ तीन का अंक बना हुआ है, इसमें आठ का बना हुआ है, सैकड़े में ढाई सात की है और इकाई पांच की है। तो यहाँ पड़ेगा तो 3875। अगर इनका उसे स्थानीय मान निकालना होता तो ये तीन का स्थानीय मान निकालना है। तो तीन के पीछे कितने खाने बचे, 1, 2, 3, इतनी जीरो लगाने का वो, तो यानी तीन का स्थानीय मान 3000 हो गया। अगर वो आठ का स्थानीय मान देखेगा तो आठ के पीछे कितने खाने, 1, 2, तो यानी 2 जीरो लगा लेगा तो 800 हो गया। सात का स्थानीय मान, एक खाना है तो 1 जीरो लग जाएगा, 7 के पीछे 1 जीरो लगेगा तो 70 हो जाएगा। ऐसे ही 5 के पीछे कोई भी खाना कटा हुआ नहीं है, इसका मतलब 5 का स्थानीय मान 5 होगा, यानी 5 इकाई वाले स्थान पर है। 7 ढाई वाले पे, 7 ढाई का मतलब हो गया 70। 8 सैकड़ा वाले स्थान पे, यानी 800, यानी 8 के पीछे 2 जीरो। 3000 वाले स्थान पे तो ये 3000। तो इस टीएलएम की सहायता से छात्र आसानी से स्थानीय मान और अंकों को शब्दों में लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। आपको अगर और बड़ी संख्याओं के लिए बनाना है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उनके लिए फिर आपको बड़ा सा डिब्बा लेना होगा, जिसके लिए अलग अलग स्ट्रिप लगाने होंगे। और इस तरह से बच्चे अपने आप स्वयं निर्माण कर भी कर सकते हैं इस तरह टीएलएम का, और जब सीखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, रोचक तरीके से सीखते हैं। बहुत बहुत BTC और D.L.Ed के छात्र भी इस तरह के TLM बना सकते हैं। और हमारे चैनल पर कई वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जिनकी सहायता से D.L.Ed और BTC वाले छात्र और B.Ed वाले छात्र लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।